प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी बांग्लादेश के हालात पर और खासकर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आप लड़ते खुद में है मुसलमान मुसलमान स्टार्ट मुसलमान मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है क्या? स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है। भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको, ठीक है। अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे, कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहु बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है, हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते हैं ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया, हिंदू मंदिरों को जलाया है। इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से गवर्नमेंट का तख्ता पलटा और शेख हसीना फरार होकर जो है हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान जो है उनके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है इस पूरी दुनिया में और इंडिया ने जो है उन्हें वो सेफ्टी भी दी। लेकिन यहाँ पर आज अगर हम बात करें तीसरा दिन है और मामला शेख हसीना तक नहीं रहे और ये पहुँच चुके हैं हिंदू मुस्लिम फसादात पर और बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है कि 3 जो है हिंदू टेम्पल्स को निशाना बनाया गया। इसमें जो सबसे पहला जो मंदिर जिसके ऊपर अटैक किया गया वो इस्कॉन टेम्पल है और इस्कॉन टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें ये वो टेम्पल्स हैं जो न सिर्फ हिंदुओं को न सिर्फ ईसाइयों को बल्कि मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके एजुकेशन सेक्टर हो, उनका फूड हो, इसके अलावा जो है कोई भी ऐसा हो जो कि आपको लगे कि ये वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर में इस्कॉन टेम्पल सबसे आगे रहते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ जो हिंदू स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको भी निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहाँ पर जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने रुख मोड़ लिया है वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदुओं की तरफ। नाज़िया लाई खान को वेलकम करेंगे और उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। नाज़िया जी क्या कहेंगी, शेख हसीना क्या इस्तीफा डिमांड कर रहे थे और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये स्टूडेंट की तरफ से जो है एक प्रेशर था, ये एक स्टूडेंट की एक समझ ले कि स्ट्राइक थी, लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर ऑल आईज ऑन हिंदूज हैं जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं मंदिरों पर, हिंदुओं पर,
पाकिस्तान बोल रहा है कि ये तो स्टूडेंट है जो कि गुस्से में आ चुके हैं, लेकिन इंडिया का चैनल जब मैं देख रही हूँ सुबह से ये पट्टियाँ चला रहा है, ये हेडलाइन चला रहा है कि ये जो है टेररिस्ट जो है वो अटैक कर रहे हैं ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पर बल्कि हिंदू रिलीजियस पॉइंट्स के ऊपर भी। एज अ वकील, एज अ भारती, एज अ सनातनी मुस्लिम, आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हिंदुओं को लेके हो रहा है? शर्मा, मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहती हूँ और इस पूरी दुनिया के सभी माँ बाप से और सभी टीचर और प्रोफेसर से पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या वो ऐसा होता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में जाकर के मात्र उनकी चीजों को चोरी नहीं करते हैं, उनके घर के बत्तख को, उनके घर के बकरी को, उनके घर के फ्रिज को, चेयर टेबल को, साड़ियों को, बल्कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वो उनके शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को, पैंटी को, ब्लाउज को हवा में लहराते हुए नजर आते हैं? क्या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं? शाला, कभी आप भी स्टूडेंट रही होंगी और मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्टूडेंट तो रहेगी ही। बिल्कुल। और हर माँ, हर पिता, हर प्रोफेसर, हर टीचर कभी ना कभी तो स्टूडेंट होता ही है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी होता ही। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो भाग लेते हैं प्रोटेस्ट में और कुछ होते हैं जो नहीं लेते हैं। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि ये कैसे छात्र हैं, ये कैसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का बरा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए 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 ये आपका ब्रा है। अब बात आती है कि क्या ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? और अगर ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, कोटे के लिए था, तो जिसमें लीगल राइट बांग्लादेशी मुसलमानों को चाहिए था, उसकी लड़ाई सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश से थी जी। उसमें जा करके सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी पिटीशन फाइल करना चाहिए था, उसमें जा करके जज से बात करना चाहिए था, बात बड़ी हुई थी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बैठ करके टेबल टॉक करना चाहिए था। पर प्रोटेस्ट में आप बम इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तलवार लेकर के घूम रहे हैं और 3.5 फुट का एक मौलाना ये स्पीच दे रहा है और तकरीर कर रहा है और वो भी पैगंबरों को हाजिर नाजर रख करके 3.5 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये तकरीर करता है कि ये इस्लामिक देश है, इसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो, ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है। एक तरफ मौलाना साहब ये देख रहे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जमाते इस्लामी के नेतृत्व में, पाकिस्तान के नाहिद हसन टेररिस्ट के नेतृत्व में चल रहा है। ये बात मौलाना साहब को पता थी कि फंडिंग चाइना कर रहा है, ये बात मौलाना साहब को पता थी कि जमाते इस्लामी के रजाकार की फौज जो है वो स्टूडेंट को कन्वर्ट कर चुकी है टेररिस्ट में। उसके बावजूद भी 3.5 फीट के मौलाना साहब ने ऐसे सिनेरियो में अपनी तकरीर रखी कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को बांग्लादेश की सरजमीन से खत्म करो। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि शेख हसीना ने भारत को क्यों चूज किया। हाँ, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो जा सकती थी क्योंकि भारत थोड़ा सा दूर था, पाकिस्तान बहुत नजदीक था, पर नहीं जाती क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना
तो शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पूरे खानदान को मृत्यु दंड पाकिस्तान से ही दिया गया था। शेख हसीना ने अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखी है, अपने पूरे खानदान की मौत, अपने पूरे परिवार की मौत अपनी आंखों से देखी है, और जिसको मारने वाला पाकिस्तान था। शेख हसीना को यह बात पता थी कि जमायते इस्लामी को भेजने वाला भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में रह रही मैं बेटियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सुरक्षित हैं पाकिस्तान में। जो मुसलमान बेटियां हैं मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या पाकिस्तान की बेटियां ईरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां सीरिया जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां तेहरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां अफगानिस्तान जाना पसंद करेंगी? मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे के खून बहाए हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की जाने ली हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की बहु बेटियों के सलवार उतार करके बलात्कार किया है। अब ऐसी कश्मोकश में वो मुसलमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हमेशा संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाई, जो हमेशा कानून के हिसाब से अपने देश को चलाई, वो भारत नहीं आती तो कहाँ आती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शैला खान और नाज़िया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन, नाज़िया खान जी की दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और अंत में हम यही कहेंगे, हमारा पूरा सपोर्ट जो है वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है, तो आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।